बन गई रील, ये देखो ऐसी रील बनती है यहाँ पे। लगा लिया पुशअप। अरे गाइस स्टैंड उसके अंदर घुस गया, बर्फ के अंदर, बर्फ के अंदर घुस गया, माँ की कसम स्टैंड बर्फ के अंदर घुस गया। ये देख रहे हो गाइस स्टैंड बर्फ के अंदर घुस गया था, ये देखो। ओ भाई साहब, ओ ये देखो स्नो कैसे टूट रही है, देखो देख रहे हो। ओ गाइस पानी में बाइक चला रहे हैं अभी हम, आपको पता है ये नीचे पानी है। ओ भाई, ओ क्या टूट जाएगी गाइस। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है ना कि गोप्रो की जो बैटरीज है ना वो अपने आप फ्रीज हो रही है। ये चेक करो भाई, ये देख रहे हो, क्या बात है यार। ये देखो रोड, देखो ये देखो। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या कर्व्स है भाई। ओए ओए ओए, कर्व से बाहर चला गया था मैं। भाई को रेस लगानी है यार, चल 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 चल, आ जाओ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप सब अच्छे हो, सो वेलकम ऑल ऑफ यू चैनल आर इन ब्लॉग्स। तो कैसे मेरी YouTube फैमिली, होप सब अच्छे हो। तो गाइस देख रहे हो आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट श्रीनगर से। सो गाइस अभी जो हमने रूम लिया था ना वो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट गुलमर्ग के लिए। और गाइस अभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई हुई थी। फूड पॉइजनिंग होने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। गाइस अभी मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली, अभी हमें जाके ORS वगैरह लेना है, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन फील हो रही है। ठीक है, अगर ORS नहीं पीऊंगा फिर मुझे ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आसपास में मेडिकल की कोई शॉप भी नहीं है, तो अभी आगे निकलते हैं, पैकिंग वगैरह सारी डन हो चुकी है, तो फिर नीचे जाके मिलता हूँ आप लोगों से। गाइस अभी चेकआउट वगैरह कर लिया, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सारी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, सारा सामान डाल दिया हुआ है फॉर्च्यूनर में। ठीक है, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट गुलमर्ग के लिए, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। डिसाइड किया था कि 9 बजे निकलना है, पर यार मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई ना, अब जाके मैं थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ। गाइस ये लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि तू बाइक मत चला, पर आपको पता है मेरे को राइड करने ही आया हूं, तो राइड ही करेंगे हम। अभी मुझे ORS पीना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो मुझे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो गाइस चलो अभी जल्दी से अपने ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। गाइस ये ग्लव्स भी काम नहीं आते यार, ड्राई आइस वाले ग्लव्स हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रही इसमें ठंड पता नहीं क्यों नहीं रुकती है यार, इतनी ठंड लगती है इनके अंदर, ये बिल्कुल भी ठंड को नहीं रोकते हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से इनकी रेटिंग बिल्कुल 0 है, ये विंटर्स के लिए नहीं बने, प्रोटेक्शन के लिए ठीक है पर विंटर्स के लिए नहीं बने हैं ये। सो फाइनली गाइस ये चेक करो, अभी हमने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पहन लिया। एंड गाइस यहां पे चेक करो, यहां पे अपनी सारी बाइक्स कोल्ड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो चेक करो, यहां पे है RC 200, यहां पे Z900, इसकी बाइक की हालत देख रहे हो। ओ भाई साहब, इस पे क्रॉस शीट हो गया हुआ है, और थोड़ा वो शीट नहीं हुआ, शीट ही शीट हो गया है, ये देख रहे हो कितना क्रॉस शीट हो गया भाई। ये क्या चक्कर, पहले कुत्ते ने किया, हम चिड़ियाओं ने किया, इस पे भी हुआ भाई, इसका भी उद्घाटन कर दिया हुआ है, ये क्या चक्कर। जल्दी से ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, घाट नंबर। ओ पीछे क्या कर रहे हो, ओ ये देखना टच कर गया, रुक जाओ एक मिनट भाई, इस ग्लव को पहनने में भी आधा घंटा लगता है, और ऑक्सीजन जा रही है कसम से, ऊपर से तबीयत खराब है, पूरी हालत हो गई है यार। सो फाइनली गाइस अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, ये देखो फॉर्च्यूनर को बैग लेके जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मोड़ने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेडिसिन वाली शॉप कहाँ पे है सैम, घाट नंबर 1 पे। अभी कौन से घाट पे हम, 10 पे। ठीक है, सो गाइस अभी हम घाट 10 पे, हमें घाट 1 पे जाना है। इधर आसपास कोई मेडिकल शॉप ही नहीं है, बहुत गलत चीज है यार ये। गाइस पता नहीं क्यों मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता यार, जब मैं दिल्ली जाता हूँ ना बाहर खाना खाता हूँ तब भी मैं बीमार हो जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ तब भी बीमार हो जाता हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है यार। जम्मू में मैं चाहे जो मर्जी खाऊं, जितना मर्जी फास्ट फूड खाऊं, कभी बीमार नहीं होता, बाहर आते अगर नॉर्मल चीज भी खाऊंगा ना वो भी खराब लग जाती है। और गाइस ठंड की वजह से ना बाइक के पिकअप में भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत कम पिकअप हो गया इसका। सो गाइस यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ पे रोकते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हमने मेडिसिन वगैरह ले लिया और टेटनस भी ले लिया, अभी मेरा आपको टेटनस भी लगवाना है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमने मैप लगवा दिया हुआ है गुलमर्ग का। गाइस यहाँ पे ये 1 घंटा 29 मिनट दिखा रहा है, तो देखते हैं कितने टाइम पे पहुंचते हैं। तो चलो अभी निकलते हैं। गाइस अभी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, अगर मेरी जगह कोई और होता ना अभी मोटो व्लॉग नहीं करता, पर मैं जम्मू से खास आया इसीलिए कि मैं मोटो व्लॉग करूँ, तो मेरे को मोटो व्लॉग करना ही करना है। देखो बच्चा कैसे देख रहा है, हेलो सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर हो, क्या नाम है मेरा, ठीक है, ओके टेक केयर, मिलते हैं, ठीक है। ओ भाई क्या बात है, देख रहे हो गाइस कैसे गाड़ी चल रही है अभी हमारी, अभी आई गेस हम हाईवे पे आ चुके हैं, ठीक है, पर यहाँ पे लोग क्रॉसिंग बहुत गंदी कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा तेज नहीं चलने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अपने लोंडे भी आ चुके हैं 0 लेके, कहाँ थे, चलो चलो क्या बात है, देख रहे हो गाइस, गाइस मैं सुपर बाइक को इतना ज्यादा मिस कर रहा था ना, ये देखो साउंड सुनो यार, ये
क्या बात है, ड्रैग रेस लगानी है क्या? भाई को रेस लगा दी है यार। चल 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 आ जाओ। भाई हमारी KTM RC 390 सुपर बाइक से कम है क्या? क्या बात है। सो गाइस ये चेक करो, यहाँ पे लिखा है गेटवे टू द गुलमर्ग 38 किलोमीटर है गाइस यहाँ से गुलमर्ग, ठीक है। सो गाइस यहाँ से गुलमर्ग रह गए 24 किलोमीटर है। अपने फ्रेंड्स का रहा कोई अता पता ही नहीं है, ना कोई फॉर्चुनर का अता पता है, ना 0 का, ना RC 200 का। पता नहीं वो कैसे कछुए की तरह चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है भाई। मैं भी ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूँ यार, 100 की स्पीड मेंटेन की है बस। गाइस हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा बिकॉज हम आगे बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। अगर शाम को हम पहुंचे ना फिर हमारी पूरी राइड खराब हो जाएगी, इसीलिए हमें सनलाइट में पहुंचना है। और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है यार, बोला भी नहीं जा रहा है, चीख चीख के बोलना पड़ रहा है मुझे, बहुत एनर्जी लग रही है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ओहो हो गाइस बहुत एफर्ट वाले मोटो व्लॉग बन रहे हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ये चेक करो भाई क्या बात है, खतरनाक रोड है। पर यार यहाँ पे लोग क्रॉसिंग बहुत गंदी करते हैं, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। गाइस अभी देखो हम कितनी खतरनाक लोकेशन पे आ गए, नीचे फॉग चेक करो भाई, फॉग ही फॉग है नीचे भाई। यहाँ से अभी 14 किलोमीटर है बस। सो गाइस जो स्ट्रेट स्ट्रेट रोड था ना वो अब खत्म हो गया, बस कर्वी रोड है। ये देखो यार कॉर्नरिंग करूँ क्या, वाओ लोकेशन देखो यार कितनी प्यारी लोकेशन है, क्या बात है यार। ये देखो रोड देखो, ये देखो क्या बात है भाई, इसी रोड पे तो मोटो व्लॉग करने का मजा आता है यार। देखो क्या रोड है, ये देखो कर्व्स देख रहे हो, सैम गिर नहीं जा रहा भाई, लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। देखो क्या बात है, क्या कर्व्स है भाई। ओए 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 कर्व से बाहर चला गया था मैं, देख रहे हो देख रहे हो, तू मेरे साथ सर क्यों मारता है भाई। भाई बड़े लंबे लंबे कर्व्स है, थोड़ा ध्यान से चलता हूँ। यहाँ पे लोकेशन बहुत प्यारी है यार, वो देखो कर्व्स कितना लंबा कर्व है। गाइस यहाँ पे रुके, आगे अंदर जाने की जगह है, ले जाओ बाइक अंदर। सो गाइस चलो अभी बाइक को अंदर लेके जाते हैं, थोड़ा सा ऑफ रोड दिखाता हूँ आपको। गिर गया गाइस, स्लिप हो गया भाई मैं। गाइस अभी यहाँ से अपनी गेट मार्च 390 आ रही है भाई, नीचे व्यू चेक करो यार, ये देखो क्या बात है, उसमें तो नहीं चढ़ती ये ले। स्लिप हो गया भाई मैं, बंद कर दे यार भाई, यहाँ से नहीं चढ़ती बाइक ऊपर। क्या हो गया भाई तेरे को, यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ती थी बाइक? ठीक है ठीक है भैया ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं वहाँ से ऊपर चढ़ा रहे थे वो स्लिप हो गई बाइक। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला घास है ना इस पे नहीं चढ़ती है बाइक, इधर घास पे नहीं चढ़ेगी, तो भाई तुम्हारा मिशन फेल हो गया। अरे रे 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 रे, नहीं यार नहीं यार, ऐसा करेगी आज तू, कैसे नहीं जाएगी भाई, हम ऑफ रोडर थे हम लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगी। चल बेटा भाई चल ले, अरे हिल भी नहीं रही यार। ओए देखो कहाँ फंस गई, ओ हो हो हो, छोड़ छोड़ छोड़, कुछ फेलियर आ गया भाई। भाई मुझे वहां पे एक फोटो लेना है यार, पर बाइक वहां पे पहुंचेगी नहीं,
थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम भी रेस्ट करते हैं भाई, मैं भी थक गया हूँ। सो फाइनली गाइस हमें यहाँ पे रुके हुए आधा घंटा हो गया और गाइस हमारे दोस्त बहुत पीछे रह चुके हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। गाइस कल अपनी आरसी 200 का ब्रेक लीवर टूट गया था ना, तो गाइस वो जुड़वा रहे हैं हम, और फॉर्चुनर तो और ही पीछे रह गई हुई है। पर गाइस अभी लोकेशन चेक करो, हम कितनी खतरनाक लोकेशन पे रुके हुए हैं, ये चेक करो क्या लोकेशन है, देख रहे हो गाइस वहां से सनलाइट भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो बहुत खतरनाक व्यू आ रहा है यार। अभी गाइस हमने यहाँ पे इतने सारे पिक्चर्स लिए ना इंस्टाग्राम के लिए, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हम लाइव भी आते हैं, अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाता हूँ आप लोगों को, तो जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो। सो गाइस मुझे बहुत टाइम हो गया यार इन लोगों का वेट करते हुए, ये लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो अभी हम यार ऊपर ही चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत खतरनाक वाली ठंड है, यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, बीमार हो जाऊंगा। आजा सैम फैन गाइस, सैम के गोप्रो में भी कोई इशू हो गया हुआ है यार, उसका गोप्रो नहीं चल रहा ठंड की वजह से। गाइस क्या व्यू आ रहा है यार यहाँ से, कसम से इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना यहाँ पे राइड करने का। ये देखो कितने डेडली कर्व्स है, आपको बिल्कुल जीरो करनी पड़ती है बाइक। ये देखो 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 कितना लंबा कर्व है, वो देखो ऊपर वाला देखो, माय गॉड, ये देखो, वाओ भाई साहब, स्लो डाउन, ये देखो कर्व्स देखो, ये देखो क्या कर्व है भाई, खतरनाक कॉर्नरिंग हो रही है। सो गाइस यहाँ से बस 3 किलोमीटर रह गए गुलमर्ग और मेरी उंगलियां फ्रीज हो गई है, पर यहाँ पे यार ये व्यू देखो यार क्या बात है, ये चेक करो भाई क्या खतरनाक व्यू है वहां पे, चेक करो बर्फ ही बर्फ है ऊपर ग्लेशियर पे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं नॉन स्टॉप, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गाइस यहाँ पे राइड करने का, और आई गेस यहाँ पे माइनस पे टेम्परेचर होगा भाई। गाइस हम जितना हायर अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं ना बाइक उतना पावर छोड़ रही है, आपको पता है, मतलब इसका पिकअप कम हुआ जा रहा है जितना हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं। वो क्या रोड है भाई, बहुत मजा आ रहा है यार यहाँ पे, वाह 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 वाह, आप कहाँ से आए आगे। गाइस मेरी उंगलियां जम गई है, आपको पता है ये ग्लव्स फेल है भाई, आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू बाय दिस यार, ये नहीं है, इस पे बस लिखा है ड्रायर्स ड्रायर्स, किसी काम के नहीं है भाई, ये उंगलियां जम गई है मेरी। वाओ ये देख रहे हो क्या बात है, ये चेक करो, वेलकम टू द गुलमर्ग, यहाँ पे एंट्री अलाउड है ना अंदर, एंड हाँ जी आपको? अंदर 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 होटल वगैरह जाता है रास्ता, यहाँ से होटल्स है, ये होटल है जो, अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी गाड़ी जाता है होटल तक, अच्छा आपको स्नो दिखा दिया मैंने, ठीक है अभी अभी गाइज हम स्नो में जाने भी वाले हैं, ठीक है अभी हम फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, वो भी पहुंच ही रहे हैं, थोड़ी दूर रह गए हैं, यहाँ से व्यू देखो यार कितना प्यारा व्यू है, आपको देखो क्या बात है क्या खतरनाक व्यू है, ये चेक करो गाइज, अगर अभी यहाँ पे सनलाइट नहीं ना होती, सूरज नहीं ना निकला होता, हमारी बर्फ बन जानी थी, उंगलियाँ उंगलियाँ फ्रीज हो गई हुई हैं, ठीक है उंगलियों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, देखो हाथ लाल हो गए हुए हैं पूरे, ये देखो रेड हो चुके हैं हाथ, बाकी यार बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे धूप में बैठने का। सो गाइज अभी फ्रेंड्स का हमने पूरा एक घंटा वेट किया, वो लोग पता नहीं कहाँ पे रह गए, और ये चेक करो गाइज स्नो ही स्नो, ये चेक करो आगे वाला पहाड़ देख रहे हो पूरा स्नो से कवर्ड है गाइज, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि गोप्रो की जो बैटरीज है ना वो अपने आप फ्रीज हो रही है, ये चेक करो भाई, ये देख रहे हो क्या बात है, कोहरा देखो नीचे क्या खतरनाक कोहरा लगा हुआ है। सैम अगर हम इस पे अपनी बाइक चढ़ाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये टूट जाएगा और ड्रेन में चला जाएगा, ये टूट जाएगा, नहीं यार चढ़ दो रहा इसके ऊपर, मैं कंटेंट लूं थोड़ा तेरा, बीच में चढ़ना, टूटेगा नहीं ना, ओ ये पानी है गाइस, पानी को बर्फ लगी हुई है, बता आप लोगों को क्या बात है यार, ये देखो स्नो कैसे टूट रही है, देखो देख रहे हो ये देखो, ये देखना देखना, ये देख रहे हो ये वाली स्ट्रांग है ना, शीशा है बिल्कुल, क्या बात है, ये देखो स्नो क्या बात है भाई, अभी 3 दिन पहले यहाँ पे गाइस स्नो फॉल हुई हुई है, क्या बात है, अभी तो हम ऊपर ग्लेशियर पे जाएंगे, उधर तो स्नो ही स्नो है, ओह माय गॉड, सो गाइस कुछ एडवेंचरस करते हैं, ठीक है ऐसे तो मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, भाई घुसाऊ उस साइड जा, ओ भाई बाइक ड्रेन में ना घुस जाए,
गाइस पानी में बाइक चला रहे हैं अभी हम, आपको पता है ये नीचे पानी है। ओ भाई ओ क्या 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 ओ क्या 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 मैं क्या मैं क्या मैं क्या टूट जाएगी। बर्फ पे टायर स्कीड कर रहा है बस, एमटीसी फेलियर आ गया। बाद में छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो आप। ओए हाँ मैं उधर लेके जा रहा हूँ। सो गाइस ये देख रहे हो हम जमे हुए पानी पे अपनी बाइक चला रहे हैं। वाह थोड़ा सा ना इसको साथ में चिपकाते हैं। ओए 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 निकल अबे भाई। लगा लिया पुशअप, पुशअप लगा लिया गाइस भाई ने। उठाना 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 अबे उठाना 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 भाई यार ये तो बिल्कुल ही सिस्टम खराब है यार यहाँ पे भी। आगे से उठाओ आगे से उठाओ बस यहाँ पे लगा दो, इससे आगे नहीं आ जाएगी। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आ तो गए हैं पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बाइक कैसे बाहर निकालेंगे। बाइक तो एक स्पिन भी बर्दाश्त नहीं कर रही है यार। रील बनाना मेरी रील रील बना चल रील बना। बन गई रील, ये देखो ऐसी रील बनती है यहाँ पे, ये रील बनी है भाई। ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर रही है भाई, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है यार। ओ भाई जरा मेरा मुंह क्या देख रहा है यार, मैं नहीं खेल रहा यार, मैं थक गया हूँ भाई। उठा सैम यार चल बेबी उठ जा, तू इतनी भारी कब हुई बे। ओह सब पकड़ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे गाइस। ओ ओ ओ भाई सैम सैम वो उसके अंदर घुस गया। अरे गाइस स्टैंड उसके अंदर घुस गया, बर्फ के अंदर, बर्फ के अंदर घुस गया माँ की कसम, स्टैंड बर्फ के अंदर घुस गया। उठा 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 भाई तू ही निकाल, अब मेरी हिम्मत नहीं है। स्टैंड बर्फ के अंदर घुस गया। ओ देखो 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 ओ रुकना 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 गाइस ये देख रहे हो स्टैंड बर्फ के अंदर घुस गया। उठाना बाइक बाइक उठा, ये देख रहे हो गाइस स्टैंड बर्फ के अंदर घुस गया था ये देखो। ओ भाई साहब निकाल बाहर इसको। चल चल बस सैम वेरी नाइस बेबी वेरी गुड। चलो 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 बाहर निकलो। अरे क्या बात है भाई साहब, ये देखो 2 घंटे लगाए इन लोगों ने। क्या कर रहे हो भाई, तांबा चला रहे हो 300 चला रहे हो भाई, टांगा भी जल्दी आता है 300 से। थे कहाँ तुम लोग पीछे था यार, 100 की स्पीड से चल रहे थे इसके ब्रेक। भाई मुझे 2 घंटे हुए यहाँ पहुंचे हुए, जगह पे रुके, ब्रेक लीवर इंस्टॉल करना था और भी भाई यार ना फॉर्च्यूनर आ रही है ना कोई, मैं 2 घंटे से बर्फ में मेरी उंगलियां जम गई हैं भाई। गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 0 रखा है, देखो भाई गाइस स्नो देखो यार क्या खतरनाक स्नो है, ये देखो फाइनली गाइस अभी रात को हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में, ठीक है। होटल का नाम है रोजवुड, ठीक है। अभी हमने होटल किया है एंड गाइस इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी ना ठंड की वजह से, यहाँ पे चेक करो इन्होंने कावा भी सर्व किया हुआ है। सो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने रूम्स में, ये चेक करो भाई यहाँ पे लिफ्ट आ चुकी है। कौन सा रूम नंबर है, रूम नंबर कौन सा है पता नहीं है। ओ भाई हमें रूम नंबर ही नहीं पता, हम कहाँ जा रहे हैं। रोक 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 इसको खोल, एक मिनट स्टॉप दबाना,
ओ भाई ओ क्या नाकमंदार तू है, इसने इसने स्टॉप ही नहीं दबाया भाई, लिफ्ट चलेगी। ओए पता रूम नंबर, ओ यही है, खुल जा। सो गाइस ये है हमारा रूम 205, ये चेक करो भाई क्या बात है भाई, कैसा रहा कैसा रहा भाई, भाई देखने तो दो भाई, भाई कैसा रहा भाई वॉशरूम। सो गाइस ये चेक करो, ये हमारा वॉशरूम, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर वॉशरूम है, थोड़ा छोटा पर चलेगा। यासिर भाई आप तो फिट ही नहीं आओगे इसमें वॉशरूम में। अच्छा दो है, दो है भाई, दो है, दो आप आ जाएंगे फिट हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। और गाइस यहाँ से व्यू चेक करो यार, ये देखो भाई वाओ, यहाँ पे हम अपना बर्फ एंजॉय कर सकते हैं भाई। गाइस अभी अंधेरा है ना, सुबह आपको इतना खतरनाक वाला व्यू दिखाऊंगा ना यहाँ से, वो चेक करो उधर बर्फ ही बर्फ है। तो गाइस चलो अभी, तो गाइस अभी जल्दी से चेंज वगैरह कर लेते हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं। ये क्या कर रहे हो गाइस, अभी मेरी चप्पल गाइस, सो गाइस अभी जल्दी से चेंज वगैरह करते हैं, फिर मिलता हूं। क्या हुआ तो क्या था,